राजस्थान के बीकानेर जिले के खाजवाला क्षेत्र के अंदर एक दलित युवती के साथ गैंगरेप और मर्डर के मामले में आज बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधि मंडल खाजवाला पहुंचा और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उसके बाद धरने के अंदर पहुंचकर उन्होंने धरना को संबोधित भी किया। पीएसपी की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष सीताराम मेघवाल और भोला सिंह बाजीगर के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधि मंडल जो है खाजवाला पहुंचा। खाजवाला के अंदर पहुंचकर उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेने के बाद उन्होंने इसकी शिकायत ऊपर पुलिस अधीक्षक और डीजीपी करने की भी बात रखी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो बहुजन समाज पार्टी इस मामले के अंदर बड़ा आंदोलन करेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी, कई सारे लोग कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस बीकानेर के खाजूवाला में हमारी एक दलित बच्ची, 20 वर्षीय दलित बच्ची के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई, उस मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी का हमारा शिष्टमंडल आज खाजूवाला गया, जिसमें सीताराम जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भोला सिंह जी बाजीगर, प्रदेश के महासचिव, वहाँ पहुंचकर उन्होंने जो जानकारी दी, जिस प्रकार से आज राजस्थान में माहौल है कि आज दलित सुरक्षित नहीं है, इस मुद्दे को लेकर के हम लोग प्रदेश का हमारा शिष्टमंडल, जिसमें माननीय सुमरत सिंह जी, माननीय प्रेम बारूपाल जी, हमारे जिला जयपुर के अध्यक्ष मोती सिंह जी, चरण सिंह नौनिया जी, लाखन सिंह जी, हम लोग आज माननीय डीजीपी से मिले और अपने डीजीपी महोदय से मांग की है कि जिस प्रकार से लगातार राजस्थान में दलित समाज पर जुल्म, जाति, अन्य अत्याचार बढ़ रहा है, अगर समय रहते पुलिस कार्रवाई करे तो इन सारे अत्याचारों पर रोक लग सकती है। तो हम लोगों ने ये भी मांग रखी है कि भाई जो दोषी पुलिसकर्मी हैं, क्योंकि ये शर्म की बात है कि पुलिस ही जो रक्षक है वो भक्षक बनी हुई है, दोषी जो पुलिसकर्मी उनको शीघ्र गिरफ्तार किया जाना चाहिए। 4 दिन के बाद भी दोषी गिरफ्तार नहीं हुए हैं और हमने ये भी मांग की है कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपये आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए, साथ ही पीड़ित परिवार के किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए, साथ ही जो भी पुलिस अधिकारी इस घटना में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो इनको बचाने वाले हैं या इसमें शामिल हैं, उन सारे के सारे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ये हम लोगों ने आज माननीय डीजीपी महोदय से मुलाकात करके मांग की है। और इस मामले के अंदर भीम आर्मी के प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने भी ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए राजस्थान की सरकार पर निशाना साधा, साथ ही बीकानेर पुलिस से मांग की है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहिए। खबर यह मिल रही है कि भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने वीडियो कॉल के माध्यम से पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और इस मामले के अंदर आगे कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और साथ ही कहा कि अगर जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो फिर मैं आपको बता दें कि आकर पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की बात करूँगा।